इसमें जब इन्फॉर्मेशन आगे पता की तो पता चला कि जो एक उसमें का आरोपी था वो खुद को क्राइम ब्रांच यूनिट 10 का अमलदार बताता था। इस बात की जानकारी मिलने के बाद में क्राइम ब्रांच यूनिट 12 इसमें काम कर रही थी, इन्होंने इनको पता चला कि इस क्राइम के लिए कोई एक ऑटो इस्तेमाल की गई है। फिर ऑटो रिक्शा की इन्फॉर्मेशन लेके पूरे सीसीटीवी की पड़ताल नहीं करने के बाद में और अपने खुफिया जासूस लगाने के बाद में उनको पता चला कि यह ऑटो रिक्शा जहाँ की है उस एरिया का पता उन्होंने निकाला। उसके बाद में उसके मालिक तक पहुँचे, मालिक तक पहुँचने के बाद में यह ऑटो उस दिन कौन चला रहा था इसकी मालूमात निकाल के दो आरोपियों को निष्पन्न किया। ये दो आरोपी 28 तारीख को वेस्टर्न सबब में एक जगह पे आने वाले, इसकी उनको खुफिया जानकारी मिली। खुफिया जानकारी मिलने के बाद में उन्होंने वहाँ पर ट्रैप आयोजित किया और उसमें दो आरोपी को उन्होंने ताबे में लिया। उसमें का एक आरोपी है वो ऑटो ड्राइवर है, उसकी उम्र 24 साल है, वह खाजगी व्यक्ति है। तो दूसरा यह पुलिस है जो LA 3 में काम करता है। दोनों को ताबे में लेने के बाद में, ऑटो को ताबे में लेने के बाद में डिंडोशी पुलिस स्टेशन की तरफ उनको वर्क किया गया है। और खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए ANM News, बेल आइकन दबाकर रहिए सबसे आगे।